उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किसी भी वक्त सुखद समाचार आ सकता है। टनल में ड्रिलिंग आखिरी चरण में है, अंतिम चरण में पहुंचा रेस्क्यू का कार्य। 57 मीटर की दूरी पर है सभी मजदूर, मजदूरों को निकालने वाली टीम टनल के अंदर है और टनल के अंदर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें इस समय मौजूद हैं। टनल के बाहर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस समेत मौजूद हैं। किसी भी वक्त टनल से निकाले जा सकते हैं मजदूर। टनल हादसे का आज 17वां दिन है और लगातार कोशिशें की जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात की आज किसी भी समय कोई भी सुखद समाचार आ सकता है। टनल में काम लगातार किया जा रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं और इस समय टनल के अंदर मौजूद हैं। कोशिशें लगातार की जा रही है, एम्बुलेंस आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 41 एम्बुलेंस इस समय टनल के बाहर मौजूद हैं। हर वो इंतजाम यहां पर किए हुए हैं, साथ ही साथ चिकित्सकों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है मजदूरों के बाहर आने का। किसी भी वक्त आज सुखद समाचार मिल सकता है क्योंकि टनल में ड्रिलिंग अपने आखिरी चरण में है और अंतिम चरण में रेस्क्यू का काम पहुंचा हुआ है। 57 मीटर की दूरी पर है मजदूर, मजदूरों को निकालने वाली टीम टनल के अंदर इस समय मौजूद है और टनल के अंदर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। साथ ही साथ टनल के बाहर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस इस समय मौजूद है। किसी भी वक्त टनल के बाहर निकाले जा सकते हैं मजदूर। टनल के हादसे का 17वां दिन है, लगातार 17 दिनों से मजदूर टनल के अंदर हैं और इंतजार कर रहे हैं वो बाहर निकले, अपने परिवार से मिले। मजदूरों के परिवार वाले भी इस समय जो कि वहां पहुंचे हुए हैं वो टनल के बाहर हैं, उनको इंतजार है कि किसी भी पल उनके परिवार के लोग टनल से बाहर निकाले जाएं। पूरे देश में इस समय दुआओं का दौर है और इंतजार किया जा रहा है मजदूरों का। पूरे 17 दिनों से टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, लगातार कोशिशें की जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें मंगा ली गई टनल में ड्रिलिंग के लिए, चाहे वो अगर मशीन की बात हो या फिर उसके अलावा अन्य मशीनों की बात हो। चार तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, देखिए चार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। एम्बुलेंस 41 एम्बुलेंस जो कि टनल के बाहर इस समय मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें इस समय मौजूद हैं। अस्पतालों में भी खास इंतजाम किए हुए हैं मजदूरों के लिए, हालांकि उनके खाने के लिए लगातार पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है और पानी भी पीने के लिए पहुंचाया जा रहा है। चिकित्सा राहत केंद्र यहां पर बनाया हुआ है। तमाम तस्वीरें देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस समय बनाई हुई हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उत्तरकाशी से आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से वहां पर इस समय काम चल रहा है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें टनल के अंदर इस समय मौजूद हैं। किसी भी वक्त सुखद समाचार मिल सकता है, किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। सिलकियारा टनल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये सिलकियारा टनल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मजदूर इस समय फंसे हुए हैं, उनको निकालने का जो काम है वो अंतिम चरण में इस समय काम है। देखिए प्रैक्टिस किस तरीके से की जा रही है, पहली तस्वीर आप देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी पहुंची हुई है, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं और तीसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से यहां पर प्रैक्टिस की जा रही है। इस तरीके से पाइप के जरिए उन मजदूरों को पाइप और रस्सी के जरिए खींचा जाएगा, यह प्रैक्टिस की जा रही है। और चौथी तस्वीर भी आप देखिए, चौथी तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, बस कुछ ही समय जा रहा है जब बाहर निकाला जाएगा और सुखद समाचार किसी भी समय सामने आ सकता है। जो काम है वो लगभग अंतिम चरण में है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से काम वहां पर किया जा रहा है। चिकित्सकों की टीमें मौके पर मौजूद हैं, महावीर सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ उत्तरकाशी से लाइव बने हुए हैं। महावीर सबसे पहले अपडेट बताइए, समय क्या चल रहा है क्योंकि काम लगभग अंतिम चरण में। बिल्कुल काजल, काम अंतिम चरण में है, किस तरह से हम मजदूरों को बाहर निकालेंगे। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम है जो अंदर पूरी जा रखी है, पूरी खड़ी भी हो रखी है, पूरे एम्बुलेंस यहाँ पे 41 एम्बुलेंस लाइन से लगा ले। यहाँ पे आम पब्लिक भी, जो आम पब्लिक भी पूछ रही है कि हम किस तरह से वो लोग बाहर निकले, कोई दुआ कर रहा है। यहाँ पे दुआ का दौर भी जारी है और यहाँ पे लगातार जो टीम है अभी पूरी तरह से गुस्से से, प्रशासन प्रशासन पूरी तरह से लगातार हलचल में आ रखा है। और आपको बता दूं कि अंदर अभी पूरी टीम जा रखी है, अंदर कभी कभी भी किसी समय जो है खुशखबरी आ सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ मीटर और
बचे हुए हैं, जैसे वो कंप्लीट होता है उसके बाद जो है फिर रेस्क्यू टीम जो एनडीआरएफ है और आर्मी के जो जवान अंदर है वो फिर अंदर रेस्क्यू चालू करेंगे। अभी जो बता दें जितने सर भी अंदर पहुंचाए गए हैं जो जिन स्ट्रक्चर द्वारा उनको बाहर खींचा जाना है उस पैप के माध्यम से, तो वो अंदर पहुंचाए गए हैं। अभी लगातार 108 की भी 3-4 गाड़ियां अंदर जा चुकी है, वो लगातार किसी भी समय जो है सुखद घटना सुखद खबर आ सकती है, क्योंकि इतने दिनों की तपस्या जो 17 दिन लगातार इस पर काम किया है, जिन्होंने इतनी मेहनत से रात और 24 घंटे लगे रहे, तो वो लोगों को आज एक खुशखबरी है और उन परिजनों के लिए जिनके अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके जो बाहर परिजन है वो भी आज खुशी मनाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर इसको तुरंत अभी सफल हो जाता है मामला, जिस तरह से लग रहा है, लग तो ये रहा है कि अभी किसी समय जो किसी भी घड़ी में 108 बाहर आ सकती है, और उसके बाद जैसे ही वो बाहर आएंगे उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप जो अंदर होगा, थोड़ा बहुत जो मेडिकल, वैसे ये बताया जा रहा है कि अंदर मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत नहीं, जिस तरह से वो अंदर है उनको तुरंत एनडीआरएफ बाहर निकालेगी, उसके बाद तुरंत इंडियन रिसोर्ट अस्पताल और जिनकी स्थिति थोड़ा सा जो डॉक्टर की देख देख के बाद उसको जो है जो यहाँ पे अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पे ले जाया जाएगा, उसके लिए जो है अगर हेली की जरूरत पड़ी तो तुरंत उसको हेली द्वारा भी पहुंचाया जाएगा, और नहीं तो इंडियन रिसोर्ट जो अस्पताल में व्यवस्था की गई है वहाँ पे उनको पहुंचाया जाएगा आज रात के लिए। अभी लगातार आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे जो है पूरी तरह से पूछते हैं, कभी भी सुखद अंदर से सुखद बात आ सकती है कि हाँ भैया अब कंप्लीट हो चुका है, रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, अब जो है इनको बाहर लाना ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग का काम है, जो रेस्क्यू जो मैनुअली काम किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी एकदम कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे वो कंप्लीट होगा उसके बाद उन पैपों की सफाई होगी, पैप की सफाई करने के बाद फिर उनको जो है एनडीआरएफ जब अंदर जाएगी तो फिर स्टेशन के माध्यम से उनको बाहर रस्सी द्वारा खींचा जाएगा, तो इसमें अभी समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट चला है, इतने दिनों से जो काम चल रहा है, अगर इसमें भी थोड़ा सा चूक होती है तो निश्चित तौर पर बहुत नुकसान होता है। अभी मैं बता दूँ यहाँ पे लगातार 108 भी आने अभी भी चल रही है, 108 कंप्लीट जो है पूरी तरह से लाइन लगा चुके हैं। महावीर कितनी ड्रिलिंग अभी बची है बाकी? बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 मीटर अभी और बैलेंस बताया जा रहा है, 1.5 मीटर के आसपास अंदर है, 1.5 मीटर का जो मलबा है उसको बाहर निकाला जाएगा, उसी के बाद ये काम होगा, मगर जो बाहर दिख रहा है बाहर इस हिसाब से जो अंदर टीम गई है उस हिसाब से लग रहा है कि काम कंप्लीट हो गया है, किसी भी समय जो है बाहर वो जो फंसे हुए मजदूर है उनको बाहर निकालने की तैयारी शुरू है, मगर ये बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग कंप्लीट है, जो आधिकारिक बयान में ये बताया गया। महावीर आप बने रहिए हमारे साथ और उसी से जुड़ी हुई सी बेचक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं दर्शकों को। देखिए एक और बड़ी खबर जो कि उत्तरकाशी से ही सामने आ रही है, ड्रिलिंग का जो काम है लगभग पूरा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दे, मजदूरों को बाहर निकालने का काम, जो ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा, किसी भी समय सुखद समाचार यहां से आ सकता है, अंतिम चरण में रेस्क्यू का काम पहुंचा हुआ, जैसा कि अभी अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, मजदूरों को निकालने वाली टीम इस समय टनल के अंदर मौजूद है, एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की टीमें टनल के अंदर इस समय मौजूद है, टनल के बाहर ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है, हर इंतजाम किया हुआ है, टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस इस समय मौजूद है उत्तरकाशी से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए उत्तरकाशी से ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कैसे इंतजाम वहां पर किए हुए हैं, यानी किसी भी वक्त वहां से सुखद समाचार आ सकता है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही समय बाद सुखद समाचार आ सकता है और 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, और टनल के बाहर हर इंतजाम इस समय किया हुआ है मजदूरों को निकालने के लिए, टनल के अंदर एसटीआरएफ की टीमें मौजूद है, लगातार प्रैक्टिस अब तक जो की जा रही थी उसी प्रैक्टिस के जरिए अब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, पाइप के जरिए, रस्सी के जरिए, किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाना, और जैसे ही इनको बाहर निकाला जाएगा उसके बाद मेडिकल चेकअप इन मजदूरों का किया जाएगा। 17वां दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज इंतजार खत्म होगा और आज सुखद समाचार आ जाएगा, क्योंकि मजदूर जो कि 17 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं लगातार उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद उनसे बात करते हैं, उसके अलावा अन्य भी मंत्री वहां पर पहुंचे जिन्होंने मजदूरों से बातचीत की, लेकिन मजदूर लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा वो पल आए जब वो बाहर निकले। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं, टनल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से टनल के बाहर इंतजाम किए हुए हैं और एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। देखिए पहली तस्वीर टनल के बाहर की है जो भी आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर टनल के अंदर की है, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जिसमें आपको टनल नजर आ रही होगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए टनल के अंदर की, थोड़ा अंधेरा भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, और उसके अलावा टीमें लगातार लगी हुई हैं एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की, महावीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, महावीर बस कुछ ही समय जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, बताइए। बिल्कुल कुछ ही समय
समय बचा है जो अब जो है अंदर से सुरक्षा दी जाएगी। अभी जो है एक डॉक्टर साथ बुलाए गए हैं अंदर, लगता है कि अब काम कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ व्यस्त करना बाकी है। जो अंदर फंसे हुए मजदूर है उनको बाहर निकालने की देरी है, जो लगातार एनडीआरएफ जो है कर रही है और अंदर भी जा रखी है, उन्होंने पहले वहाँ पे ड्रिल प्रैक्टिस कर रखी है और आज सिर्फ उन्होंने जाना है और उनको बाहर लाना ही, क्योंकि प्रैक्टिस पूरी तरह से उन्होंने कर रखी है। और किसी भी समय जो है सुखद घड़ी है, जो लग रही आज मंगलवार है, हनुमान जी का बार है, तो सभी लोगों को हनुमान जी से दुआ कर रहे थे कि आज के दिन उनको सुखद बाहर निकाल जाए। तो यहाँ के जो स्थानीय देवता है उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, कहते हैं श्रद्धा में भक्ति में शक्ति है। वास्तव में जो अगर देखा जाए, जो देवता ने बोला था, यहाँ के पशुओं ने बोला था कि 3 दिन के अंदर अंदर ये बाहर आ जाएंगे, तो आज वही तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी बाहर आने वाला। उसी तरह यहाँ पे हमने देखा जो बाहर एक शिव की तरह की आकृति बनी है, तो ये भी एक देखने लायक चीज है। तो आज वही सुखद घड़ी आने वाली है और जो अंदर फंसे हुए मजदूर है उनको बाहर निकाला जाएगा। इस समय जो हलचल पूरी तरह से मौजूद है, जो अंदर जा रखी थी वो रेस्क्यू पे लगे हुए हैं और किसी भी समय सुखद जो अंदर से आवाज आएगी कि हाँ ये कुछ लोग बाहर निकल गए, जैसे कुछ लोग बाहर निकलेंगे उसकी जानकारी जैसे हमारे तो हमको मिलेगी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि हलचल पूरी तरह से मौजूद है, जो इतने दिन लगातार जिन्होंने तपस्या की है वो 41 लोग भले अंदर फंसे थे मगर 1000 लोग बाहर ही फंसे थे, वो लगातार उनके इंतजार में थे। कोई किसी तरह से कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से यहाँ पे लोग लगे हुए थे, कोई तमाशित आ रखा था कि क्या हो रहा है, कब निकलेंगे बाहर। कुछ लोग मीडिया के भी यहाँ पे पूरे बंदोबस्त खड़े हैं, पूरी पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि कब ये सुखद घड़ी आएगी। तो आज ये घड़ी आने वाली है जिसका लोगों को इंतजार था, कई दिनों से इंतजार था। जिन लोगों ने दीपावली नहीं मना पाई वो आज दीपावली मनाएंगे, निश्चित तौर पर मनाएंगे, जैसी अंदर से सुखद घड़ी सुखद खबर आती है। अभी हमें जो दिख रहा है, जो सामने गेट है वहाँ पे जो है ये पुलिस विभाग और आईटीबीपी के पूरे अधिकारी जो है मौजूद है, वो अंदर अभी किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं, मगर जो अंदर का सिस्टम वो लगातार चल रहा है, किसी भी समय सुखद की घड़ी ये जो है वो आ सकती है। आज जैसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि 108 दिन लगातार अभी भी चली रही है, कुछ लोग दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग तैयार है, और अभी जो है सुरंग के अंदर से पूरे लोग अंदर जा रहे हैं, एनडीआरएफ है वो अंदर है, आर्मी अंदर है, वो कभी भी जो है अंदर से अच्छी खबर ला सकते हैं। महावीर, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि मशीनें अपना काम कर रही हैं और दुआओं का असर भी दिख रहा है। बिल्कुल, मशीनें अपना काम कर रही थी, वो भी अपनी तरह से काम कर रही थी, उसमें कोई शक नहीं, बेगान कहीं फेर नहीं है, मगर कई समस्या आ रही थी, मगर जो अड़चने आ रही थी वो कहते हैं कि देवता भी होता है, क्योंकि जो मानता है उसी के लिए देवता होता है, जो नहीं मानता उसके लिए देवता। मगर यहाँ उत्तराखंड एक देवभूमि है, देवभूमि इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे अक्सर देवी देवता ही निवास करते हैं, जिसके लिए बाहर के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे वही स्थिति आई थी, जब एक चित्र बना, जब देवता ने बोला 3 दिन बाद निकलेगा, तो वास्तव में जो आज ये निकल रहा है तो निश्चित है कि देवता में बहुत बड़ी शक्ति है और उन्होंने जो बताया है वो वास्तव में सत्य है, जो दिख रहा है। आज जो लोग बोल रहे थे, जो भोगनाथ देवता है उसका भी नारे लगा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे कि भोगनाथ के देवता की कृपा से आज सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम इसलिए लग रहा है कि जो अंदर रेस्क्यू हो रहा है वो बहुत नाजुक रेस्क्यू है, क्योंकि अभी वो लास्ट पॉइंट है जब हम उनको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। उनको किसी भी हालत में जल्दीबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने साफ कहना है कि जब भी ये रेस्क्यू किया जाए तो उसे बारीकी किया जाएगा, क्योंकि 41 लोगों के लिए जो हमने इतना टाइम दिया है और लगातार जो लोग जिनपे इंतजार कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह से सुरक्षित बाहर निकालना है, उन पर एक ठोस तक नहीं आनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, हमारे पीछे जो सेंटर के सामने बहुत ज्यादा भीड़ इस समय लगी हुई, जो पूरी तरह से छाया हुआ, जो आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ सारी तरह से मौजूद है, किसी भी समय अंदर से बहुत सुंदर घड़ी आ सकती है। वैसे नीचे मैं कहना चाहूँ, नीचे आप देखना चाहेंगे तो नीचे भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, यहाँ पे जो है कभी भी किसी वक्त सुखद खबर आ सकती है, इसके लिए हम भी अपने दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल महावीर आप नजर बनाए रखिएगा। और तस्वीरें भी इस समय हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने इसमें लिखा है, बाबा भोगनाथ जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने के कार्य पूरे हो चुके हैं, शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी अभी एक्स पर पोस्ट भी किया है कि आज जल्द ही निकाल लिया जाएगा मजदूरों को बाहर, बस कुछ ही समय के बाद। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, समय एक सुरंग के बाहर की पहली तस्वीर आप देखिए और
सुरंग के अंदर की दूसरी तस्वीर आप देखिए, सुरंग के अंदर की जो दूसरी तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा आपको नजर आ रहा है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और चिकित्सक भी आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची हुई है। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तुरंत उनका चेकअप किया जाएगा और अगर कोई दिक्कत होती है किसी को तो एम्बुलेंस के जरिए तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा क्योंकि हॉस्पिटल में भी पूरे इंतजाम इस समय किए हुए हैं। अंतिम चरणों में यहाँ पर काम है और अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार, हर कोई पूरा देश इस समय दुआ कर रहा है कि बस जल्द से जल्द मजदूर बाहर आए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें हैं, टनल के अंदर की तस्वीर भी है और टनल के बाहर की तस्वीर भी है। ये देखिए, ये देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। मजदूरों के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य जो कि 17 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं आज वो बाहर निकले। बस कुछ ही देर के बाद ये इंतजार खत्म होगा और उनको बाहर निकाला जाएगा पाइप के जरिए, रस्सी के जरिए हर वो इंतजाम किया हुआ है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि उनसे बातचीत लगातार की जा रही है और साथ ही उनके जो परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं उनसे भी मजदूरों की बात करवाई जा रही है, उनके हौसले को बढ़ाया जा रहा है। अब अंतिम चरणों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है, बस आज का ये दिन जो कि सुखद समाचार सामने आ जाएगा, आज ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बस कुछ ही समय बाकी है अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम, यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर लगातार किया जा रहा है, मशीनें अपना काम कर रही हैं और दुआओं का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें टनल के अंदर इस समय मौजूद। देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड प्रशासन रेस्क्यू टीम में लगे हुए सभी बड़े से छोटे सभी ऑफिसर्स को धन्यवाद देता हूं कि आज इतने दिनों 15 दिनों के बाद लगभग हमें ये सफलता मिल पा रही है और ये बहुत खुशी का अवसर है हमारे ही लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत खुशी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस के यहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम पहुंची हुई है, बस कुछ ही देर के बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अंतिम चरणों में समय रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है, लगातार दिन रात यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, दिन में भी काम किया जा रहा है और रात में भी दुआओं का दौर लगातार जारी है। 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिनों से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उनको समझाया भी जा रहा है, बार बार हौसला बढ़ाया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों से भी बात करवाई जा रही है। हालांकि समय समय पर खाना भी पहुंचाया जा रहा है पाइप के जरिए, पीने के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन का काम सिर्फ अंतिम चरणों में। आज सुखद समाचार कोई ना कोई उत्तरकाशी से मिलने वाला है, सिलक्यारा टनल से लाइव तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने का काम देखिए, एम्बुलेंस इस समय मौजूद है, 41 एम्बुलेंस पहुंची हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उनको चेकअप के लेकर जाएंगे। उत्तरकाशी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, मजदूरों के पास में एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। देखिए सुखद समाचार है, 41 मजदूरों के पास एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, यानी जो रेस्क्यू का काम है लगभग खत्म क्योंकि एनडीआरएफ की टीम मजदूरों के पास पहुंच गई है। अब उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार टनल के अंदर मौजूद थी, अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम था और अब खबर मिल रही है कि एनडीआरएफ की टीम 41 मजदूरों के पास पहुंच गई है उनसे बातचीत करने के लिए और उनको अब निकाला जाएगा पाइप के जरिए और रस्सी के जरिए उनको निकाला जाएगा और ये टीमें उन मजदूरों को निकालेंगी। देखिए कुछ ही देर में तस्वीरें भी आएंगी जो कि हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अब उन मजदूरों को निकालने का काम बस कुछ ही देर के बाद शुरू भी हो जाएगा। खबर यह है कि एनडीआरएफ की टीम मजदूरों के पास पहुंच गई है टनल के अंदर, इसी का इंतजार लगातार किया जा रहा था। मजदूरों के पास में एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और बस इंतजार है उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एम्बुलेंस पहुंची हुई है, डॉक्टर्स की टीम भी इस समय मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है टनल के अंदर, मजदूरों के पास एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एम्बुलेंस देखिए, लाइव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उनका चेकअप तुरंत किया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगभग अंतिम चरण में पूरा होने को है और किसी भी समय सुखद समाचार आ सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस समय दिखा रहे हैं जहां पर ये पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और एम्बुलेंस भी है साथ में,
डॉक्टर्स की टीम है, आपको डॉक्टर्स की टीम भी नजर आ रही होगी जो कि मजदूरों के चेकअप के लिए है, क्योंकि जैसे ही उनको बाहर निकाला जाएगा उनका चेकअप किया जाएगा। 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिनों से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि उनके खाने के लिए खाना भेजा जा रहा है, कुछ मजदूरों की इस बीच में तबीयत भी खराब हुई थी, उनको दवाइयां भी भेजी गई उनके लिए, लेकिन आज जब उनको बाहर निकाला जाएगा तो सबसे पहले चेकअप कराया जाएगा, उसके लिए पूरे इंतजाम टनल के बाहर इस समय किए हुए हैं। लेकिन सुखद समाचार यह है कि एनडीआरएफ की टीम इस समय पहुंच गई है मजदूरों के पास, अब बस कुछ ही देर के बाद उनको बाहर निकाला जाना है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक टनल के अंदर की और एक टनल के बाहर की। ये देखिए एम्बुलेंस की लंबी लाइनें आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस यहां पर खड़ी हुई है ये देख सकते हैं। और ये दूसरी तस्वीर जो देखिए, जो कि टनल के बाहर की, और पहली तस्वीर टनल के अंदर की आप देख सकते हैं। ये टनल के अंदर की तस्वीर है, एनडीआरएफ की टीम इस समय मजदूरों के पास पहुंच चुकी है, अब बस कुछ ही देर के बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। अब बहुत ज्यादा समय नहीं, इंतजार खत्म होने वाला है। लगातार मशीनें भी अपना काम कर रही थी, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है, और आज वो दिन आ गया है, आज वो दिन आ गया है जब सुखद समाचार यहां से मिलने वाला है। सुरंग के बाहर की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, और सुरंग के अंदर की भी पहली दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस यहां पर पहुंची हुई है, और बस कुछ ही देर के बाद अब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। सत्रह दिन पूरे हो चुके हैं, और 17 दिनों से ये मजदूर इस समय टनल के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि एनडीआरएफ के अधिकारी इस समय टनल के अंदर पहुंच चुके हैं, और बस कुछ ही देर के बाद इनको बाहर निकाला जाएगा। बाहर पूरे इंतजाम किए हुए हैं, एम्बुलेंस मौके पर है, डॉक्टर्स की टीम है। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा सबसे पहले उनका चेकअप किया जाएगा, क्योंकि 17 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं, किसी की तबीयत तो खराब नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उनका चेकअप तुरंत कराया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, टनल के बाहर की तस्वीर है और टनल के अंदर की भी तस्वीर लगातार जारी है। अंतिम चरण में लगभग रेस्क्यू का काम है, ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट भी हमने अभी आपको दिखाया था, ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा होने को है, और ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है यहां टनल के बाहर। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस इस समय पहुंची हुई है, हर इंतजाम यहां पर किया हुआ है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर सुरंग के बाहर की है और दूसरी सुरंग के अंदर की है। लगभग पूरा होने को है जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है, टनल के बाहर ग्रीन कॉरिडोर इस समय बनाया हुआ है, और बस कुछ ही देर के बाद सुखद समाचार जिसका इंतजार किया जा रहा था। 17 दिनों से इसका इंतजार था, 17 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा था, ऑगर मशीन के जरिए यहां पर ड्रिलिंग की गई, उसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई, हर वो इंतजाम यहां पर किया हुआ है ताकि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अब तक प्रैक्टिस भी कर रही थी, पाइप के जरिए, किस तरीके से पाइप और रस्सी के जरिए उनको मजदूरों को बाहर खींचा जाएगा, ताकि उनको बाहर निकालकर तुरंत मेडिकल चेकअप कराया जा सके, वो तमाम इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से सुरंग के बाहर की भी तस्वीर और सुरंग के अंदर की भी तस्वीर। बस अब से कुछ ही देर के बाद खबर आने वाली है कि मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है, लगभग पूरा ड्रिलिंग का काम, और अब से कुछ ही देर के बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। फैमिली मेंबर्स को दिया गया है, क्या बोला गया प्रशासन? अभी तो बोला नहीं गया, बस दे दिया है, बस पता नहीं अब पास होगा अंदर जाने का। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील बेदिया है। कहाँ से है वो? झारखंड से। कौन है आपका? मेरा भाई है अंदर। क्या कितने समय हो गया आपको यहाँ? मेरा यहाँ 2 सप्ताह हो गया आए हुए। 2 सप्ताह हो गया। यस। अभी वो घड़ी आ गई है, बड़ी अवरोध रहे, कई सारी दिक्कतें रही, अभी कैसा लग रहा है जब? अभी तो एम्बुलेंस से चली गई है, सब कुछ हो गया, खुशी का महसूस हुआ है अभी कि निकलने वाले है, बस उसी का इंतजार है। पाइप से बात होती थी आपकी उनसे? हाँ, हेडफोन के जरिए बात होता था, पहले मशीन जो अंदर में कुछ लगाए हुए है उसी से।
आखिरी बार बात कब हुई अभी? आखिरी बार नहीं हुई है, जिस दिन आए थे उसी दिन बात हुई है। उसके बाद डिस्टर्ब के चक्कर में बात तो नहीं हो पाती थी दोबारा। खुश है? खुश है, बस इंतजार है बस लोग निकल जाए। इधर इधर इधर।